बिहार को जल्द मिलेगा दूसरा टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार ने दी कैमूर वन्य जीव अभयारण को मंजूरी। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आप रूबरू बिहार देख रहे हैं। बीटीआर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद राज्य में अब एक और टाइगर रिजर्व बनने वाला है। बता दें कि बीते सोमवार को बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने यह घोषणा कर दी है कि जल्द ही राज्य में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। केंद्र ने भी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मंत्री प्रेम कुमार ने यह भी बताया कि इस फैसले से टाइगर रिजर्व के रूप में बेहतर विकास होगा। इसके विकास के लिए अब राज्य सरकार बाघों को ट्रांसफर करने की योजना बना रही है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसकी क्षमता लगभग समाप्त ही हो चुकी है। इसके एवज में राज्य सरकार अब बड़े बाघों को KWLS में ट्रांसफर करने के विचार को अंतिम रूप दे रही है। बता दें कि 1504.96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कैमूर वन्य जीव अभयारण फैला हुआ है। पर्यावरण एवं वन विभाग के सचिव वंदना प्रियर्सी ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब बाघों की संख्या 45 से 54 पर पहुँच गई है और ये बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 12वीं टेक्निकल कमेटी की बैठक की थी। NTCA ने अपनी इस कमेटी की बैठक में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। बीटीआर पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि अभयारण्य का हिस्सा है। आपको बता दें कि ये लगभग 909 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे देश के 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में वर्ष 1990 में विकसित किया गया था। इसे घनत्व और बाघों की आबादी के मामले में पूरे देश भर में चौथा स्थान हासिल है। अभयारण्य की शोभा को और बढ़ाने के लिए इसके अंदर से गंडक और मसान नदी गुजरती है। वही उत्तर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भोजपुर, बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कुछ हिस्सों तक में फैला हुआ है। साथ ही दक्षिण में झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं। पश्चिम में यूपी के वाराणसी और सोनभद्र के हिस्से आते हैं और पूरब में इसमें बिहार के औरंगाबाद और जहानाबाद जिले के हिस्से आते हैं। अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि इस वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुए, चीतल, सांभर, भालू, जंगली सुअर, नीलगाय, चौसिंघा सहित 70 प्रजातियों के पशु पक्षी जो हैं मौजूद हैं।